सात लाख फॉलोअर्स है यार इसके, बट ही इज मोर ऑफ अ क्रिकेटर ना, लेफ्ट आर्म स्पिनर। लंबा लंबा मारता हूं। हाय वास, हाउ आर यू? दैट बियर्ड इज लुकिंग गुड ऑन यू। एनी प्लान्स ऑफ जॉइनिंग मूवीज एंड ऑल? कांट एक्ट, आई ओनली एक्ट इन द ग्राउंड, दैट्स रियल। मैं वो टाइम पे फिटनेस का वैल्यू नहीं पता था। मेसी वैसी खेल रहा होगा उसमें। Oh, these brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. But I wanna move like that. आ गया हूँ मैं एयर इंडिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और चमिंडा वास आए हुए हैं। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? तो कल मैं इंडियन एयरलाइंस ग्राउंड आया था यहाँ पर, बट आई कुड नॉट गेट होल्ड ऑफ चमिंडा वास। आज ही इज अवेलेबल, ही टुडे इज गोइंग टू इंटरेक्ट विद द मीडिया। अ फॉर्मर क्रिकेटर, श्रीलंकन ग्रेट, बात करने में मजा आएगा। थोड़ा देखेंगे कैंप में क्या चल रहा है यहाँ पर। क्या बढ़िया था गुरु। पर ज्वाला सिंह के मुंबई क्रिकेट क्लब का बहुत बड़ा कैंप हो रहा है, which is being organized in at the Air India ground, which is in Santa Cruz. Just let's check it out. What is Vaas doing over here? और इसके अलावा बच्चे लोग कितना enjoy कर रहे हैं Vaas का यहाँ पर होना। समझ रहे हो? समझ रहे हो? लेकिन यहाँ में पिघल गया। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हो रही है, activities हो रही है। फास्ट बॉलर्स, बैट्समैन सब यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, बट यहाँ पर मीडिया इंटरेक्शन भी है, तो लेट्स चेक इट आउट व्हाट्स हैपनिंग। सब मैन, व्हाट्स अप ब्रो? कुछ आई वाज एक्सपेक्टिंग यू। तो एयर इंडिया की कैंटीन यहाँ पर है एंड नाश्ता तो करके आए। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल डॉग व्हिच इज लुकिंग वेरी डेंजरस, तो काट भी सकता है ऋत्विक मेहता को। ये इसको मैं शुरू कर दूंगा, फाइन करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसने दो तीन न्यूज दिए मुझे एक्सक्लूसिव। चलो यहाँ पर ज्वाला और चमिंडा वास देख रहे हैं। ज्वाला इज ऑफकोर्स यशस्वी जायसवाल कोच और उससे ज्यादा रनिंग अ वेरी गुड बिग एकेडमी। तो आ गया था। हाय वास, हाउ आर यू? दैट बियर्ड इज लुकिंग गुड ऑन यू। वाइड्स, एनी प्लान्स ऑफ जॉइनिंग मूवीज एंड ऑल? समथिंग दैट लुक फिल्मी काइंड ऑफ अ लुक, आई डेडली। इट्स बीन 2 डेज यू आर हियर। And the IPL. And you've got some good Sri Lankan cricketers who's doing Vanindu Hasaranga and all. You guys are getting back into the groove once again when it comes to cricket, big stars. Yeah, quite Murali. Few good stars, but it depends on how they play in the middle. Yeah, definitely. क्या बात है, क्या बात है, लेग स्पिनर हो। अरे वाह, वॉचिंग ग्रास रूट स्पोर्ट ग्राउंड पे रहना ही अलग बात है, एक अलग ही जॉय, एक अलग ही किक मिलता है और इसी के लिए तो हम जीते हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। और आज मैं आई हूँ प्रो 40 मुंबई क्रिकेट क्लब के टूर्नामेंट में एंड इट्स द फाइनल। बट इसके पहले एक यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है मुंबई। चमिंडा वास इज हियर, सुपरस्टार ऑफ श्रीलंकन क्रिकेट। Good morning everyone. As always, I thanks to all of you that you always come here. Well, I not only me, I think the whole world went through this and you know, we all alive and you know, we have to get going and these things can happen. Your hairstyle and your look, what is the secret behind this or is it something you're planning on moving or something? Oh. There is no secret behind, you know, just I finished playing cricket and, you know, I'm into coaching now for the fun sake, you know, and not interesting for movies, can't act. I only act in the ground though, but... That's also real. That's real, but, you know, nothing to do with movie or anything, just for the fun sake, that's all. We'll be right back.
See you, bye, bye. वास को हर साल लाते हैं आप, तो क्या प्लान रहता है उनको लाने का, क्या कितना फर्क पड़ता है? तो प्लेयर्स हैं ये ग्रासरूट लेवल के प्लेयर्स हैं, हाँ, तो एक मेंटल गैप हमेशा रहता है कि बड़े क्रिकेटर्स कैसे होंगे, हाउ दे बिहेव, जो लोग इतना क्रिकेट खेले हैं उनका कैसा यू नो वे ऑफ टॉकिंग होगा, उनके टिप्स क्या होंगे. वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग. कैसा था वो चमिंडा वाज के साथ? It was good. He taught me a lot of things and he made us improve a lot. Left arm pacer or right arm? My action and my jump was a little not okay before, but then later he taught me a lot of stuff and then he bowl in swing. He taught me that. But you enjoyed? Yeah. मेरे साथ मुंबई इंडियंस के जो खेल चुके हैं राहिल शेख, आईपीएल प्लेयर, काफी बड़ा नाम था उनका और बड़े सेंसेशन मुंबई इंडियंस के सेटअप में. राहिल तो एक अच्छा गए थे क्योंकि पेस अच्छी थी और बॉम्बे रणजी ट्रॉफी के लिए भी खेला है. इसके पहले दुबई में भी थे ना? जी हाँ, मैं दुबई में था. दुबई में 2 साल क्रिकेट खेला और डेन्यूब क्रिकेट के लिए. फिर वहाँ पर क्रिकेट ख़त्म हो गया मेरा. इन्हें कंपनी ने क्रिकेट बंद की, फिर वहाँ से रिटर्न आया हूँ मैं. फिर उसके बाद मैं कोचिंग में उतरा हूँ ताकि जो चीज़ मैं नहीं कर पाया इंडियन टीम को नहीं खेल पाया, उसकी वजह से मैं अभी यहाँ चाह रहा हूँ कि मैं अपने जो मेरा स्किल है फास्ट बॉलिंग में उसके ऊपर कई बच्चों के ऊपर मेहनत करूँगा, जिसकी वजह से जो बच्चे अच्छा करें. हाउ ओल्ड आर यू नाउ? मैं जस्ट 35. 35 और यहाँ पर मतलब 35 में तो यार क्रिकेट चलता रहता है, लोग खत्म ही नहीं करते. एक्चुअली बट व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली? क्योंकि आईपीएल खेले और तुम रणजी ट्रॉफी भी खेले और काफ़ी अच्छा कर रहे थे. एक्चुअली मैं फिटनेस लास्ट जब खेलता जब इतना फिटनेस ख़राब था मेरा, जो फ्रेंकली बात करो अभी मैं फिटनेस पर काफ़ी वर्क कर रहा हूँ तभी मैं एकदम फिट लग रहा हूँ. तभी लोग बोलते हैं कि आप 35 हर कोई ये कहता है कि 35 नहीं है वहाँ पर. मैं बट 35 इज नॉट द एज टू स्टॉप क्रिकेट. मैं बताता हूँ तब लोगों को पता चल जाएगा मेरा एज 35 है. मैं वो टाइम पे फिटनेस का वैल्यू नहीं पता था. फिटनेस क्या होता वो चीज़ नहीं पता था. ऐसे डे बाई डे हर चीज़ सीखने मिलती है तो मुझे लेट सीखने मिला. ये कोचिंग में भी कमाल करेंगे एंड थैंक वन ऑफ द टैलेंट, एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट जिसकी वजह से आईपीएल में खेलने मिला था. विकेट्स तो निकाल रहे थे लोकल क्रिकेट में, बट इंपॉर्टेंट ये है इम्प्रेस करना और उन्होंने इम्प्रेस किया था. बट लाइफ होती है, डेस्टिनी होती है. मिंडावास का प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया है बट इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड ही गॉट वेरी इमोशनल. बट यहाँ पर मैच जो चालू है सी सी प्रो 40 लीग, तो अर्जेंटीना की जर्सी में जैसे जर्सी लग रहा है ना अर्जेंटीना वाला, मेसी वैसी खेल रहा होगा उसमें. चेतन वाघ, बट दिस गाय इज नॉट जस्ट अ क्रिकेटर बट ऑल्सो अ बिग फैन ऑफ ताउज रिज़वी. पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो. 7 लाख फॉलोअर्स हैं यार इसके. बट ही इज मोर ऑफ अ क्रिकेटर ना, लेफ्ट आर्म स्पिनर और अच्छा बल्लेबाजी करता है. हाँ, लंबा लंबा मारता हूँ. बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है. कैन यू से समथिंग? और क्रिकेट में और ऑफ द फील्ड एज वेल एज ऑन द फील्ड यू हैव टू एक्सप्रेस योरसेल्फ. Time to say goodbye. Chalo. Thank you. See you. Thanks for coming. So that was a good day, good time out. Argentina cricket team ka jersey lag raha hai. Football team ka. Hai ki nahi वैसे ही है ना? नहीं. Color तो वैसे ही है. So I hope ये video आपको अच्छा लगा तो like, share, subscribe करिए. I'm gonna get you a lot of stories from the grassroots of Mumbai and all बहुत सारे stuff. See you. Good night. Good day. Bye. See you. प्रैक्टिस के लिए हाँ, प्रैक्टिस को आना है. आ जाओ चलो.